अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। नाजरीन ड्रामा सीरियल तेरा वादा का इंटरेस्टिंग प्रोमो ने शेयर कर देगा। जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया लाजमी से सब्सक्राइब करते जाना। चल जल्द से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ड्रामा सीरियल तेरा वादा के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो कि नाजरीन यहाँ पर अब मारिया सैम से पूछ रही होती है कि यहाँ पर सैम के आप वहाँ से शहीर भाई से लड़के आई हैं, जिसके बाद नाजरीन यहाँ पर आगे से सैम बताएगी कि हाँ यहाँ पर मैं जो है वो लड़के आई हूँ, लेकिन यहाँ पर ये लड़ाई जो है वो मेरी नहीं है, ये मैंने जो है वो अपनों के लिए लड़ाई लड़ी है। जिसकी वजह से नाजरीन यहाँ पर मारिया फिर जो है वो थोड़ा सा इसे सपोर्ट भी करेगी, क्योंकि ये काफी ज्यादा जो है अच्छी हो चुकी है। और नाजरीन आप लोगों का लगता है सैम यहाँ पर इसे बताएगी कि मेरे बच्चे को वहां पर खतरा था? जरूर से अपने कीमती इंतजार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। और दूसरी जनब आप लोग देखने वाले हो कि नाजरीन नगीन यहाँ पर अब अपनी माँ के पास आई हुई है, और नाजरीन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो है वो रो रही होती है और कहती है कि यहाँ पर मैं अंधी हो चुकी थी, मुझे यहाँ पर लग रहा था कि शहीर को मैं इसी तरह से जो वो पा सकती हूँ। जिसके बाद यहाँ पर इसकी माँ कहती है तुम्हारी छोटी सी गलती ने देखो यहाँ पर जो है वो कितना काम जो है वो खराब कर दिया, तुमने इतना ज्यादा सब्र किया था तो अब ये छोटी सी गलती की वजह से देखो क्या कुछ हो गया। हम सब्र करती है। और नाजरीन यहाँ पर अब यहाँ पर शायद जो है वो इसे तलाक भी आ सकती है, आप लोगों को लगता है या नहीं तलाक आएगी? जरूर से अपना कीमत कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। और सेकंड लास्ट एपिसोड में आप लोग ये भी देखने वाले हो कि नाजरीन यहाँ पर बिलाल जो है वो सैम के पास और मारिया के पास बैठा होगा, उसे कहेगा कि यहाँ पर अब जो मैंने हरकत किया उसकी वजह से मैं शतियारी हो चुका हूँ, यहाँ पर मैं जो है वो हर किसी की नजरों में गिर चुका हूँ। जिसके बाद नाजरीन यहाँ पर इसे सैम समझाएगा क्या इस वक्त जो इस चीज को जो है वो बोझ बनाकर अपने जब वो सीने पे ही रखोगे। यहाँ पर इसे जो कहती है कि तुम मूव ऑन हो, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो अपनी ज़िंदगी इंजॉय करो, यहाँ पर सब कुछ पिछली जो है वो बातें भूल जाओ, जिसकी वजह से अब ये भूलेगा या नहीं। और इसके साथ साथ नाजरीन शहीर अपनी माँ के पास खड़ा होता है, जिसके बाद नाजरीन यहाँ पर अली आ जाता है और यहाँ पर ऊपर से कॉल आ जाती है शहीर को। यहाँ पर बैड न्यूज़ होती है कि यहाँ पर जो है वो लग गई है फैक्ट्री में आग, जिसके बाद यहाँ पर यह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या यहाँ पर फैक्ट्री में आग लग गई है? जिसके बाद यहाँ पर यह जाने लगता है। अली कहता है चले भाई जल्दी से चलते हैं। और जिसके बाद यहाँ पर इसकी माँ भी कहती है अल्लाह खैर करे क्या हुआ मुझे बताओ तो सही। जिसके बाद यहाँ पर ये बताएंगे कि माँ यहाँ पर फैक्ट्री में जो है वो आग लग चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये तो खूब दुआएं करेगी, लेकिन नजरें यहाँ पर काफ़ी कुछ जो जल चुका होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर इस शहीर को पता चलेगा कि मैंने अपने भाई के साथ धोखेबाजी की थी, तो अब ये बिजनेस वापस देगा यानी जरूर सब तयगा। अल्लाह हाफिज़।